हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से एक नया रिव्यू वीडियो लेकर के आई हूँ, जो है स्टिक्स हेयर सीरम। तो ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये है स्टिक्स की हेयर सीरम। ये सीरम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है मार्केट में, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। तो इसमें बहुत सारे केमिकल भी हैं और नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है, जैसे इसमें वॉलनट है यानी अखरोट है, आलमंड ऑयल भी है और विटामिन ई है। तो अच्छे अच्छे इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बालों के लिए काफ़ी अच्छी होगी, बेनिफिशियल होगी। तो इसकी प्राइस है 180 रुपीज़ और क्वांटिटी है 100 ml की, और ये इससे छोटे साइज में भी आती है मार्केट में, 50 ml फॉर ₹99। तो अगर आप इसे पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप इसका छोटा साइज लेकर ही ट्राई कीजिए, और आप इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेकर। और ये सीरम मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप इसे कॉस्मेटिक स्टोर से और ये ऑनलाइन वेबसाइट्स पे भी इजीली मिल जाएगी। तो आप इसे कहीं से भी ले सकते हैं, ये इजीली अवेलेबल है। और अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो ये प्लास्टिक बॉटल की पैकेजिंग में आता है, जिसकी पंप की पैकेजिंग है, जिसे यूज़ करना बहुत ही इजी है। और ये स्टडी भी है, ट्रैवल फ्रेंडली प्रोडक्ट है। और अगर इसकी टेक्सचर की बात करें तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई कलर एडेड नहीं है, और ये बाकी सीरम जैसी ही है बट उनसे थोड़ी ये थिक है, और फ्रेग्रेंस भी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको इसे बस थोड़ा सा ही लेना है, बस 2-3 ड्रॉप्स, ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर बालों को वॉश करने के बाद वेट हेयर पे ही इसे अप्लाई करना है, सिर्फ बालों के लेंथ पे ही अप्लाई करना है, रूट पे बिल्कुल भी नहीं। और ये सीरम को लगाने से बिल्कुल भी हेयर स्टिकी या ऑयली जैसी नहीं दिखती है। तो ये सीरम बहुत ही अच्छे से हेयर पे वर्क करता है, बालों को मैनेजेबल बनाता है, डिटैंगल करता है, बालों की ड्राइनेस, फ्रिजीनेस, रफनेस को हटाकर ये सॉफ्ट स्मूथ सिल्की हेयर प्रोवाइड करता है। इसे अप्लाई करते ही आपके बाल बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ लगने लगेंगे टच करने पे, और साथ ही साथ हेयर शाइनी भी दिखेगी। तो अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है, फ्रिजी है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप बालों को शैम्पू से वॉश करते हैं तब इसका 2-3 ड्रॉप्स लेकर बालों के लेंथ पे लगा सकते हैं, इससे हेयर इंस्टेंट सॉफ्ट स्मूथ हो जाती है, मैनेजेबल हो जाएगी। तो अगर आप कोई ऐसी सीरम ढूंढ रहे हैं जो अफोर्डेबल हो और हेयर पे भी अच्छे से वर्क करे, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, ये वन ऑफ द बेस्ट सीरम होगी आपके लिए। ये अफोर्डेबल के साथ साथ इसकी इफ़ेक्ट भी काफ़ी अच्छी है, आपको भी ज़रूर ये पसंद आएगी। तो ये था मेरा रिव्यू वीडियो ये प्रोडक्ट को लेकर। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, टेक केयर, बाय बाय।